पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। तुमने कहा था ना तुम मेरा नाराबू देखने नहीं आओगे। देखो ना तुम आ गए। अरे मार डाला, अरे एक्सीडेंट हो गया, अरे पुलिस बुलाओ जल्दी, अरे हॉस्पिटल लेके चलते हैं भाई इसको। हाँ चलो पहले इसे हॉस्पिटल लेके चलो, चलो। अरे भाई ये फोन लो और आराधना सानी को फोन करो, बोलो रियांश लांबा मर गया। देखा मैंने बोला था ना मेरी गलती नहीं है, पुलिस बुलाओ, अगर मुझ पर मर्डर का चार्ज लगा ना तो ये मरेगा। थाने लेके चलो इसको। अरे भाई सुन ना, पुलिस को फोन करोगे तुम जेल जाओगे, तुम्हें सजा हो जाएगी। हॉस्पिटल ले जाओ, दो फायदे हैं, खूब सारे पैसे दूंगा और तुम्हें जेल नहीं होगी, छूट जाओगे। पागल है ये बंदा, पूरा पागल है। चलो चलो, बहुत खूब प्यारा इसका, चलो चलो ले चलो इसे हॉस्पिटल। देखा आराधना, मुझे थोड़ी सी चोट लगी, मेरा थोड़ा सा खून बहा और तुम दौड़ी दौड़ी चली आई। देखा तुम मेरी अभी भी बहुत फिक्र करती हो, तुम मुझे अभी भी बहुत प्यार करती हो। और ये चादर मेरे ऊपर कैसे आई? बहुत सारा ब्लड बह गया है। नर्स, वी नीड ब्लड फास्ट। यस सर। ए डॉक्टर, फैसला आपके हाथ में, फैसला उसके हाथ में। आराधना तय करेगी कि मुझे जिंदा देखना चाहती है या फिर मरा हुआ। डॉक्टर ये कपड़ा मेरे मुंह में ढक दो। चलना डॉक्टर, सोच क्या रहा है? बहुत पैसा दूंगा। इतना घिनौना मजाक, किस किस्म के आदमी हो तुम? ये डॉक्टर तुम कैसे कर सकते हो तुम? मेरे आज असली था यार, नाटक था ना ये सब, तुम कैसे कर सकते हो ऐसा? सांसें तो रुकी गई थी पर तुम आ गए। तुमने कहा था ना आराधना कि तुम मेरा मारा मुंह भी नहीं देखोगी, देखा पकड़ी गई तो तुम्हारे दिल की बात सबके सामने आई गई, सब ने देख लिया, आंसू बहाए इसने मेरे लिए, देखो सब लोग। तुमने गलत किया रे, बहुत गलत किया रे। मोहब्बत और जंग सब जायज है। डॉक्टर प्लीज टेक केयर ऑफ हिम, किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज लेट अस नो। प्लीज मुझे बचा लो, अब क्या है ना मुझे जीने की वजह मिल गई। ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करो। जी कहा था ना तुम मेरा धारा मुंह देखने नहीं आओगे, तुम आ गए।
I'm sorry, Jai. मेरी वजह से तुम यहाँ। सॉरी क्यों राधना? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। मैं तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रही हूँ जय। इस पागलपन में मुझे तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। तो समझ लो कि मैं भी एक पागल ही हूँ। तुम्हारे दिल की बात जानते हुए भी मैं तुम्हें दर्द दे रही हूँ जय। ये ठीक नहीं है। जानबूझ के किसी का दिल दुखाना तो गलत ही है ना? नहीं आराधना, तुम मेरा दिल नहीं दुखा रही हो। तुम तो अपना साफ दिल दिखा रही हो। इनफैक्ट किसी अपने को इस हालत में देखकर तुम्हारा दिल पत्थर रहता तो मुझे ज्यादा बुरा लगता। कोई हमारी जिंदगी में जिंदगी और मौत से लड़े और आंखों में आंसू ना आए, फिर तो मुझे उस इंसान पे ही शक होने लगेगा। पर तुम्हारे दिल में प्यार भरा है आराधना, फीलिंग्स है, दर्द है। भले ही मेरे लिए ना सही बट बहुत प्यार है उसमें। और मैं तो हमेशा से ये जानता ही था तुम्हारा दिल इसके लिए धड़कता है। तुम बहुत अच्छे हो जाए, इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए। अब इस कहानी में किसी को तो अच्छा होना ही पड़ेगा ना। आराधना, मैं पुलिस से बात कर आता हूँ, क्योंकि रेयांश ने एक्सीडेंट डेलिबरेटली करवाया था, कहीं उसे पकड़ के ना ले जाए। I'll just figure things out, हाँ? तुम जाके रेयांश से मिल लो। घर चलो जय, यहाँ से चलो। आराधना, अगर तुम चाहो तो रुक सकती हो, उसे शायद तुम्हारी जरूरत है। नहीं, उसे मेरी जरूरत नहीं है, सिर्फ जिद है। चलो। तुम आई मुझे मिलने आराधना, तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता, मुझे जीने की वजह मिल गई। मिस्टर मिसेस खुराना, आप लोग यहाँ मैरिज काउंसलिंग के लिए आए हैं। अक्सर मैंने देखा है कि शादी के 4-5 साल जब हो जाते हैं तब कपल्स आते हैं काउंसलिंग के लिए अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के। एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन आपके केस में तो सिर्फ 1 ही महीना हुआ है शादी को। डॉक्टर, पता नहीं क्यों ये हमेशा डरी हुई सी रहती है। इनके मन में एक ऐसा खौफ आ गया है कि हमेशा ही सहमी हुई सी रहती है। तो कपल्स थेरेपी क्यों? क्योंकि हमारी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ, ना ही एक बहू ठीक से बन पा रही हूँ। ये सब उस दिन से हुआ जब वो फोन कॉल आया, जब मेरे अतीत की आवाज। एक बार मुझे मिलो, नहीं तो मैं। आराधना, सॉरी। तो आपको लगता है ये फिर से होगा? डॉक्टर, इनको बस इस बात का डर है कि वो इनकी जिंदगी से अभी तक गया नहीं है, ताक में बैठा हुआ है। उस दिन के बाद से ये बदल गई है। रेयांश फिर से आ गया।
जय, वो आगे है जय, वो यहीं है। आराधना, मैं अभी इसी वक्त घर पर आ रहा हूँ। ओके। जय, वो बार बार फोन कर रहा है मुझे, वो यहीं है जय, वो। आराधना, वो तो डिलीवरी वाला तुम्हें फोन कर रहा होगा, मैंने तुम्हारे लिए चाइनीज खाना भेजा था बिकॉज वो तुम्हारा फेवरेट, दैट मस्ट बी द डिलीवरी गाय। तुम जानते हो उसे जय, वो हार नहीं मानेगा। पता नहीं फिर अपने पागलपन में क्या कर दे जय, इसी बात का डर है मुझे। डोंट वरी, मैं अभी घर आ रहा हूँ। ओके, आई एम कमिंग। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।